तो यहाँ पे हम वापस से आ गए अपने रो फिर वाइस टाउन में। तो यहाँ पे एक गुंडा टिप्सन को मारना चाहता है, मार के ख़त्म करना चाहता है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम टिप्सन को बचाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो लेकिन उसके साथ में पुलिस वाला भी मिला हुआ है गुंडे के साथ में, पुलिस वाले ने पैसा ले चुका है गुंडे से। तो भाई ये तो बहुत गद्दार निकला पुलिस वाला, हमें चाहे कुछ भी हो जाए टिप्सन को बचाना होगा, इसके लिए हमें टिप्सन के पास जाना होगा, क्योंकि उसे बताना होगा कि तुझे ख़त्म करना चाहता है गुंडा। तो चलो इसे बताते हैं, बताने के बाद हम यहाँ से निकल देंगे उस गुंडे को ख़त्म करने के लिए। हाँ छोटे, वो मुझे ख़त्म करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, मुझे बचा ले, ये पुलिस वाले भी उसके साथ में मिले हुए हैं, मैं तुझे वो लोकेशन बताता हूँ, वहाँ पे मिल जाएगा वो गुंडा। तो ठीक है, हम ये मिशन कंप्लीट करेंगे, ये मिशन कंप्लीट करने के बदले हमें 200 डायमंड फ्री में मिलेगा। तो हम ये मिशन करने के लिए निकलते हैं यहाँ से, उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा ब्लास्ट कर देते हैं, ब्लास्ट करने के बाद हम निकलते हैं। तो भाई हमें कोई कार की ज़रूरत पड़ेगी या फिर ऐसे ही चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पर मैप को खोल लिया है, खोलने के बाद मिशन को स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो यहाँ पर हमारा लगभग मिशन स्टार्ट हो चुका है, तो हमें मिल चुका है कार, कार से हमें किसी का पीछा करना पड़ेगा, यानी कि वो गुंडे का पीछा करना पड़ेगा जो टिप्सन को मारना चाहता है। तो यहीं कहीं पे हमें मिल जाएगा, तो हमें मिल चुका है लोकेशन, तो हम अपनी कार को यहीं पे रोकेंगे। तो यहाँ पे हमने पार्क कर दिया अपनी कार को, यहाँ पे टैक्सी वाला आ चुका है और ये गुंडा टैक्सी में बैठ के कहीं पे जा रहा है। चलो हम इसका पीछा करते हैं, ये पीछा करने के बाद कहाँ पर जाएगा, ये अपने अड्डे पे जाएगा जहाँ पे पुलिस वाला इंतजार कर रहा है, वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा है और ये गुंडा उसको पैसा देगा, पैसा देने के बाद ये उसका काम कर देगा पुलिस वाला। लेकिन यहाँ पे पता चल चुका है पुलिस वाले को कि हम इसका पीछा कर रहे हैं, ये हमें पीछे से टक्कर मार रहे, यहाँ तक कि हमारा मिशन भी फेल हो चुका है इस पुलिस वाले की वजह से। तो हम इस पुलिस वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसका बदला तो लेना बनता है ना। तो हमें मिल चुकी है फ्री में शॉटगन, शॉटगन लेने के बाद सबकी खोपड़ी उड़ा देंगे, उसके बाद वापस से ये मिशन सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो चलो यहाँ पे खोपड़ी उड़ाने के बाद यहाँ से निकलते हैं। तो चलो ये तो डांस करने लग गया, नाच भाई यहीं पर डांस करने। तू बहुत बड़ी गलती कर रहा, तू नहीं जानता मेरे हाथ में डंडा है, डंडा से बहुत ही मारूंगा, ये क्या तूने तो मुझे मार दिया। तो ये गुंडा बहुत ऊंची ऊंची फेंक रहा था, ये हमें मारने की बात कर रहा था, लेकिन हमारा मिशन भी फेल हो गया था, हमने वापस से मिशन को स्टार्ट कर दिया है। तो हमें ये कार मिल चुकी है जिसका हम पीछा कर रहे थे, लगभग यहीं पे रोक देगा ये टैक्सी, टैक्सी को रोकने के बाद ये गुंडा बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद ये पुलिस वाला यहीं पर खड़ा है और इस पुलिस वाले को पैसा दे देगा। तो ये इसका काम तो हो गया लगभग, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 100 डायमंड, 100 डायमंड का हम इसका डबल कर लेंगे, यानी कि 200 डायमंड मिल जाएगा अपने को। 200 डायमंड जाने बाद हम इसका काम तमाम कर देंगे। तो हमें मिल चुका है डायमंड, डायमंड मिल जाने बाद हमें इसे ढूंढना होगा, कहीं जाके ये छुप गया होगा, इसे पता चल चुका होगा कि हम इसका पीछा कर रहे थे, लेकिन हमें इसे ढूंढना होगा। तो हमारे पीछे है पुलिस वाला, लेकिन ये कोई दूसरा पुलिस वाला है, लेकिन हम इसे मारेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये पुलिस वाला भी मिला हुआ है। तो पहले हम इसे कार से बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद हम इसे डांसिंग बम से डांस करवाएंगे, उसके बाद इसका काम तमाम कर देंगे, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे एक सीक्रेट दुनिया में। तो हम आ चुके हैं एक सीक्रेट दुनिया में, इसके अंदर पुलिस वाला अपने दोस्त को जेल के अंदर बंद करके रखा है, तो हमें उसे छुड़ाना होगा। तो हमें छुड़ाने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, कार लेना पड़ेगा, कार लेके यहाँ से हम निकलते हैं सीधा पुलिस स्टेशन। वहाँ पर जाने के बाद अपने दोस्त को बहुत मारा है, मार मार के हड्डी पसली सब तोड़ डाली है। तो ये गेम भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गेम है। तो चलो हम यहाँ से जाते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जाने के बाद हम अपने दोस्त को बचाएंगे जो कि हड्डी वड्डी टूट चुकी है। तो हम अपनी कार को यहीं पे छोड़ देते हैं, ये कार काफ़ी ज़्यादा महंगी कार थी, हमारी कार वहाँ पे फंस गई थी, हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हम वहाँ पे छोड़ चुके हैं। तो लगभग आ चुके हैं पुलिस स्टेशन के बाहर, देखो ये पुलिस वाला कैसे मौज मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं भाई, इनकी तो पार्टी चल रही है, लेकिन हमारे दोस्त को बहुत बुरी तरीके से मारा है, इसको बचाना तो बनता है ना। यहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर एक भी पुलिस वाला नहीं है, सब जाके पार्टी कर रहे हैं, सब मौज मस्ती कर रहे हैं, ये पुलिस वाले बहुत ज़्यादा गद्दार होते हैं और मक्कार होते हैं। तो हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे पुलिस वाले को, लेकिन हम बाद में बदला लेंगे। तो हम पहले अपने दोस्त को बचाएंगे जो कि हड्डी वड्डी टूट चुकी है, बहुत मारा है पुलिस वाले ने। अरे हमको बचा लो, हमारा बहुत बुरा हाल हो चुका है, यहाँ से हमको निकालो बाहर। हाँ ठीक है, हम तुम्हें बचाएंगे, लेकिन तुम लोग जेल के अंदर कैसे आ चुके हो, पुलिस वाले ने तुम्हें कैसे पकड़ा, ये कहानी बताओ, हम तुम्हारी कहानी सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो चलो शुरू करो अपनी कहानी को। अरे हम कहाँ बताएं, हम एक बैंक में चोरी कर रहे थे, लेकिन हमारी कार का टायर चोरी हो गया, एक चोर चुरा के ले गया, लेकिन हमको ये नहीं पता वो टायर का करेगा कहाँ, कार चोरी कर लेता तो बात अलग होती, लेकिन हमारा टायर चुरा लिया, उसको छोड़ूंगा नहीं, एक दिन मिलेगा ना बहुत ही मारूंगा,
इसकी वजह से हम पकड़े गए, जेल के अंदर डाल दिया, बहुत ही मारा भाई। तो ये लोग बैंक में चोरी कर रहे थे, ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन यहाँ पे एक चोर आया, इनकी कार का टायर चुरा के ले गया। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे इन्हें मिल चुकी है बाइक। बाइक मिल जाने के बाद इन लोगों ने सोचा क्यों ना बाइक पे भागा जाए यहाँ से। तो बाइक वाले को उठा के फेंक दिया यहाँ पे, और बाइक वाला बहुत कुछ बोलता है लेकिन ये निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जाते समय इनका पीछा पुलिस करती है, तो बहुत सारी पुलिस करती है। तो यहाँ पे स्टंट करने वाला आ चुका है, तो यहाँ पे ये बहुत ख़तरनाक स्टंट करते हैं जिससे कि पीछे वाला बच जाता है और आगे वाला फंस जाता है जो कि जेल के अंदर बंद है। उसे हमें छुड़ाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये गद्दार निकलता है, ये पूरा पैसा लेकर भाग जाता है, इससे हमें बदला लेना पड़ेगा। इसका नाम है क्रिल। ये चार पांच गुंडे अपने साथ में रखता है, तो हम उसे मारेंगे, बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। तो चलो इसकी कहानी तो ख़त्म हो चुकी है, तो हम जाएंगे सीधा क्रिल के पास क्योंकि वो छुड़ा सकता है इसे। अरे हमको बचा लो, हम यहाँ से निकलना चाहता हूँ, तुम जाओ क्रिल के पास उससे बात करो। तो ठीक है, हम निकलते हैं सीधा क्रिल के पास। वहाँ पर जाने के बाद हम उससे कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद हम बताएंगे भाई हमारा दोस्त जेल के अंदर बंद है जो कि तू पीछे से भाग गया था उसको छोड़ के, लेकिन जेल में मिलने तक नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, हमें कोई कार या फिर बाइक की ज़रूरत पड़ेगी उसके पास जाने के लिए। तो हमें बाइक कहाँ पर मिलेगी? तो हमें मिल चुका है कार का शोरूम। चलो कार का शोरूम में जाते हैं, वहाँ से एक कार को ले लेते हैं। तो यहाँ से फटाफट भागते जाते हैं ताकि हम बहुत जल्दी पहुँच जाए। तो हमें कोई फरारी कार लेंगे ताकि इसकी स्पीड बहुत तेज़ हो। तो हम फटाफट फरारी कार में बैठते हैं, लेकिन यहाँ का मालिक हमें उठा के फेंक दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हम कार का पैसा बाद में दे देंगे, हमें कार अभी चाहिए क्योंकि हम पैसा बाद में देने वाले हैं। तो फटाफट हमें मिल चुकी है कार। कार लेने बाद हम जाते हैं क्रिल के पास। वहाँ पर जाने बाद बहुत सारे गुंडे रहते हैं उसके आसपास में ताकि उसे कोई परेशान ना कर पाए, कोई उसे मार ना पाए। तो हमें बहुत जल्दी जाना होगा। तो हमारी कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर रहता है, वो हेलीकॉप्टर को हम उड़ाएंगे, लेकिन ये मिशन कंप्लीट करने के बाद उड़ाएंगे। तो हम आ चुके हैं लगभग अपने लोकेशन के पास। यहाँ पे जाने के बाद चार पांच गुंडे तो यहीं पे है, तो चलो इसे बात करते हैं। बात करने के बाद ये हमें कुछ बताएगा। अरे वो तो जेल के अंदर बंद है, हम उसे भूल गया था, पैसा आ जाने के बाद हम सब कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन के पीछे एक कार खड़ी है उसे ले आओ, उसके बाद हम सोचूंगा उसे छुड़ाने का। तो ये बहुत बड़ा धोखेबाज गद्दार है, तो हमें जाना होगा पुलिस स्टेशन के पीछे, वहाँ पे एक कार खड़ी है, तो हमें ये कार देना पड़ेगा इसको। उसके बाद ये सोचेगा उसको बचाऊँ या फिर नहीं बचाऊँ, लेकिन नहीं बचाएगा ना तो हम इसे सीधा तोप से उड़ा देंगे, बम ब्लास्ट कर देंगे इसके घर में, कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ से हम निकलते हैं सीधा पुलिस स्टेशन के पीछे। वहाँ पे जाने बाद सीधा हम कार लेके निकल लेंगे ताकि पुलिस वाले को पता ना चले। तो हम फटाफट अपनी स्पीड को बहुत तेज़ करते हैं ताकि हम बहुत जल्दी पहुँच जाए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल को ऑल पर सेट कर लो ताकि हमारी वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक भी कर देना। तो हमें मिल चुकी है कार। कार लेने बाद हम निकलते हैं सीधा क्रिल के पास। वहाँ पर जाने बाद हम ये कार को दे देंगे, उसके बदले ये हमें बचाएगा, यानी कि हमारे दोस्त को बचाएगा। हमें क्यों बचाएगा, हम तो पहले से बचे हुए हैं। तो लगभग हम यहाँ से बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बचाएंगे अपने दोस्त को।